हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड नाउन में हमने देखा था कि दो या दो से अधिक शब्दों से जो नाउन बनता है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो समझते हैं कि कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझाया है, मैंने एक एक बातें बताई है, इसको फनी वे में समझाया है, बड़े मजाकिया वे में समझाया है, जिससे आपको ये कंपाउंड एडजेक्टिव आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा और कभी नहीं निकलेगा। यस, ये मेरा दावा है। इससे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे, उसकी हर बात को समझेंगे। बहुत ही स्टाइलिक मैनर में समझाया है दोस्तों, बहुत ही फनी मैनर में समझाया है, ताकि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आपको हर बात आपके दिमाग में रच बस जाएगी, जो कभी नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है, और अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके डाउट रहेंगे और मेरे डाउट रहेंगे। तो समझते हैं और देखते हैं कि मेरा जो दावा है वो सही है कि गलत है, कि मैंने उसको फनी वे में समझाया है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से समझाया है। दोस्तों, चालू करते, बीच में वीडियो प्लीज नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, कंपाउंड एडजेक्टिव नाम से ही पता लगता है कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एडजेक्टिव होगा। नॉर्मली एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन इज नोन एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है, ही इज अ गुड बॉय, सॉरी, अच्छा गर्ल, सॉरी गलत हो गया, देखिए शी इज ए गुड गर्ल, कैसी लड़की, गुड। तो यहां पर जो गुड वर्ड है वो केवल अकेला एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड, यहां पर सिंगल वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी इज ए गुड गर्ल, वो कैसी लड़की है, गुड। जब गुड जो है वो सिंगल वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम करता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल। अब यहां पर जो है अ गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग, यहां पर जो गुड लुकिंग वर्ड है, कैसी लड़की, गुड लुकिंग, तो यहां पर गुड लुकिंग जो है वो सिंगल वर्ड नहीं है, वो दो वर्ड हो गए, तो ये हो गया गुड लुकिंग। तो गुड लुकिंग यहां पर क्या हो गया, यहां पर गुड लुकिंग हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ माना जाएगा। तो ये दो शब्द से बना हुआ है तो ये हो जाएगा कंपाउंड एडजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ जो एडजेक्टिव रहेगा उसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो आखिर तक देखना है दोस्तों, और फनी वे आगे आने वाले हैं। आगे देखते हैं, देखिए समझेंगे। आई सॉ अ मैन हाइपन, ये हाइपन है दोस्तों, इटिंग पाइथन। आई सॉ अ मैन इटिंग पाइथन मतलब आदमी खाता हुआ अजगर, मतलब अजगर जो था वो आदमी खाता हुआ था, मतलब ये अजगर जो था वो मानव भक्षी था। तो क्या बोल रहा है, आई सॉ अ मैन इटिंग अजगर, आई सॉ अ मैन इटिंग पाइथन, तो मैंने एक आदमी खाता हुआ अजगर देखा, आदमी खाता हुआ अजगर देखा, ध्यान देंगे अजगर खा रहा है आदमी को, समझ रहे हैं। आई सॉ अ मैन इटिंग पाइथन, देखिए यहां पर मैंने ए लगाया है, अ मैन इटिंग पाइथन, तो ये पूरा का पूरा यहां तक है, एडजेक्टिव है आदमी खाता हुआ पाइथन। अगला सेंटेंस समझते हैं, आई सॉ, अब मैंने हाइपन हटा दिया, यहां से हाइपन हट गया है, आई सॉ अ मैन ईटिंग पायथन, अब यहां पर आदमी है वो पायथन को खा रहा है, मैंने एक अजगर खाता हुआ आदमी देखा, आई सॉ अ मैन, आपने आदमी को देखा है, और ईटिंग पायथन अजगर खाता हुआ, देखो दोनों में अंतर है। तो कंपाउंड एडजेक्टिव में मोस्टली हम लोग हाइपन का भी इस्तेमाल करते हैं, हाइपन का भी इस्तेमाल करते हैं, और हाइपन के इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान देना है, अगर हाइपन हट गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है दोस्तों। तो समझ में नहीं आएगा कि आदमी खा रहा है अजगर को कि अजगर खा रहा है आदमी को, इसे आपको ध्यान देना है, प्लीज दोनों सेंटेंस पर ध्यान देंगे। इसके बावजूद अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और अपने डाउट पूछना बंद नहीं करेंगे। या आगे और देखते हैं, वी हैड अ टॉक विच वॉज टू आवर्स लॉन्ग, We had a talk which was two hours long, relative class. हमारे
हममें एक वार्तालाप हुई, हममें एक बातचीत हुई जो कि 2 घंटे लंबी थी, है ना, लिटिल क्लास है। यस, अब इसको हम लोग करते हैं, वी हैड अ 2 आवर टॉक, वी हैड अ 2 आवर टॉक हमने कर दिया। अब इसको हमने क्या बना दिया, कंपाउंड एडजेक्टिव बना दिया। तो रिप्लेस रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज को रिप्लेस करने में भी एडजेक्टिव, रिप्लेस करने में भी कंपाउंड एडजेक्टिव काम आता है। यानी रिलेटिव क्लॉज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कंपाउंड एडजेक्टिव से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर 2 आर स्टॉक नहीं कहेंगे, 2 आर टॉक होगा, आर में एस नहीं लगेगा, मोस्ट एग्जाम्स में ऐसा आता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें एस लगा के आ जाते हैं, 2 आर स्टॉक, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हाइपन के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ध्यान देना, हाइपन के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा वो सिंगुलर होगा, ये भी ध्यान देना है। आगे देखते हैं, आई डू अ पार्ट टाइम जॉब, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, देखो हाइपन लगा हुआ है, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, माई जॉब इज पार्ट टाइम, आई डू अ पार्ट टाइम जॉब, हाइपन लगा, माई जॉब इज पार्ट टाइम, यहां पर मैंने हाइपन नहीं लगाया, ये राइट है, अगर आप इसमें हाइपन लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, माई जॉब इज पार्ट टाइम में हाइपन नहीं लगाना है दोस्तों। तो ये था टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपको कंपाउंड एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब मैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बताता हूं जिसमें कंपाउंड एडजेक्टिव को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको एक एक समझा रहा हूं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहना है आखिर तक, और एक एक बात पर ध्यान देना है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोग मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। ओके, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पहला बताता हूं मैं, एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, नैरो माइंडेड, हाई स्पिरिटेड, नैरो माइंडेड, हाई स्पिरिटेड। सेकंड वर्ड है एडवर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वेल बिहेव्ड वेल एजुकेटेड। तीसरा नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सनबैग्ड मिडिल एजेड। चौथा नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंग्लिश स्पीकिंग माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आने वाला, माउथ वाटरिंग का मतलब होता मुंह में पानी आने वाला। पांचवा एडजेक्टिव प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, गुड लुकिंग लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला। नंबर 7 एडवर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, नेवर एंडिंग फॉरवर्ड थिंकिंग, यानी कि आगे की सोचने वाला। नाउन प्लस एडजेक्टिव 8वां वर्ल्ड फेमस, स्मोक फ्री, देखो पहला स्मोक है जो कि नाउन है और फ्री जो है वो एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव है, स्मोक फ्री। उसके बाद लेते हैं हम लोग एडजेक्टिव प्लस नाउन में होता फुल लेंथ और लास्ट मिनट। अब नेक्स्ट लेते हैं नाउन प्लस नाउन पार्ट टाइम, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव फेट फ्री, यहां पर फेट भी एडजेक्टिव है, फ्री भी एडजेक्टिव है। तो ये दोस्तों थे, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक था कंपाउंड एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि हर कोई इस प्रकार के टॉपिक के बारे में समझ जाए और अपनी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव बनाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके डाउट रहेंगे और मेरे भी डाउट रहेंगे, तभी तो मुझे भी डाउट होता है, मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट को बताना चाहिए। तो मैंने जो दावा किया था कि आपको मजा आ जाएगा टॉपिक को देखकर, इस वीडियो को देखकर, मुझे उम्मीद है आपको सचमुच मजा आया होगा। मैंने सारी बातें बिल्कुल फनी तरीके से बताई, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है कि वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ,
नए प्रयोगों के साथ आपके मेरे डाउट के साथ. धन्यवाद. थैंक यू.